हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि एमएस वर्ड के अंदर अगर आप किसी भी चीज़ का वर्क कर रहे हैं एंड आपका गलती से एक एक्स्ट्रा पेज आ गया है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि उसको डिलीट करना, बट उसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो वो डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है एंड डिलीट भी नहीं हो रहा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि एमएस वर्ड के अंदर में जो एक्स्ट्रा पेज आ जाता है उसको आप किस तरह से डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरे बारे में जान लें। मेरा नाम है प्रद्युम्न कुमार गोसाई और आप देख रहे हैं अपना भाई का चैनल प्रद्युम्न टेक वाइटी चैनल। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ साथ इस चैनल में अगर आप न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए दोस्तों, इसी तरह से वीडियो देखते रहने के लिए। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आपको मेरे पीछे के बैकग्राउंड में दिख रहा होगा कि यहाँ मैंने एमएस वर्ड को ओपन कर रखा हुआ है, ठीक है। तब इसको मान चलिए आपके यहाँ पे 3 पेज, ठीक है। अगर आप और एक पेज लेना चाहते हैं तो आप और भी ले सकते हैं। इंसर्ट में सिंपली ब्रेक में इस तरह करके देख सकते हैं एक्स्ट्रा पेज और आ गया, ठीक है। एंड अगर आप और लेना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से पेज आप ले लिए, ठीक है। बट आप चाह रहे हो कि एक पेज मेरा ये जो है या फिर ये जो है या फिर ये जो है, ठीक है, इनमें से कोई एक पेज मेरा डिलीट हो जाए, ठीक है। तो उसको डिलीट करने का जो तरीका है दोस्तों वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। दोस्तों ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जिस भी पेज को डिलीट करना है, ठीक है, जिस भी पेज को आपको डिलीट करना है उस पेज में क्लिक कर देना दोस्तों, ठीक है, और सिंपल सा कंट्रोल प्लस जी यहां पर टाइप कर देना। तो इस तरह से कुछ आ जाएगा दोस्तों, आपके सामने ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं इस तरह से कुछ आ जाएगा खुल के। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, है ना, इस तरह से कुछ आ जाएगा खुल के। तो यहां पे आपको देना है स्लैश, ठीक है, उसके बाद लिख देना पेज। पेज लिख के आपको यहां पे गो टू में मार देना, ठीक है, जैसे मार दिए तो इसको बाद उसको क्लोज कर देना। देखिए यहाँ पे ये सेलेक्ट हो चुका है दोस्तों। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, डिलीट का ऑप्शन मिलता है एंटर के बगल में, डिलीट का ऑप्शन मिलता है, सिंपली उसको इस तरह से डिलीट कीजिएगा। देखिए ये डिलीट हो चुका है एक पेज, ठीक है। अगर मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, सिंपल इस पेज को अगर नीचे वाला को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ तो इस पेज को मैं कंट्रोल प्लस जी क्लिक जैसे किया तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्लैश देखे पहले से पेज लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मुझे गो टू में करना है एंड गो टू करने के बाद यहाँ पे क्लोज कर देना है। जैसे क्लोज करेंगे तो यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन में यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। देखिए फिर से करते हैं कंट्रोल प्लस जी स्लैश पेज, ठीक है, PAGE, ठीक है, पेज लिख दिए एंड गो टू पे क्लिक कर दिए एंड क्लोज कर दिए। देखिए तो इस तरह से दोस्तों आप डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया हुआ है कि आप किस तरह से अपने पेज को डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ साथ इस चैनल में अगर आप नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, इसी तरह से रेगुलर वीडियो देखते रहने के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियो में कोई नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।